तो जो ऊंचे कद के रहने वाले उसको बहुत तकलीफ होगा यार, इधर सिर्फ झुक के चलना पड़ेगा। देखिए अरे बाप रे भाई, आप जब भी आएंगे तो दिख के चलना यार। ऐसे हम लोग सीखते हैं, नहीं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी कैमरा सीट जी हमें। हाय एवरीवन, कैसे आप सारे लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं आप लोग से नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं किसी काम से बिजी था, बट मैं आज अभी फ़िलहाल मैं छत के ऊपर हूँ और अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आपको एक नए वीडियो में एक अच्छा चीज़ दिखाऊँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं आपको एक ग्रेप्स यानी कि अंगूर का बगीचा दिखाऊँगा। तो मैं इस वक्त मैं छत के ऊपर हूँ और मैं अभी मतलब 8 बजे ही रूम से निकलने वाला हूँ और आपको दिखाएंगे आज मतलब अंगूर का बगीचा। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी दूर आ चुके हैं और तकरीबन अभी 7 किलोमीटर के आसपास है और मतलब बगीचा पहुँचने में। तो अंगूर का जो आपको बगीचा दिखाएंगे आज, मतलब शहर वाले मतलब उसको कैसे खाते हैं और गांव वाले यानी कि कैसे उसको मतलब कितने बनाते हैं, आपको पूरी तरह से दिखाएंगे आज वीडियो में कि किसान मतलब कितना मेहनत करता है, कितना स्ट्रगल करता है तब ये मतलब क्रैप्स होते हैं। तो हम लोग मतलब जा रहे हैं वहीं पर, ऐसे भी मतलब डेली जा रहे हैं लेकिन आज वीडियो बनने का मन नहीं किया तो मैं सोचा चलो डेली जा रहे हैं तो आज बना ही लेते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिए और आपको आज दिखा दें पूरा अंगूर का बगीचा। रास्ते में देख रहे हैं फिलहाल ये भी अंगूर का बगीचा है, इसमें अंगूर है नहीं अभी। और ये बांग्ला है यानी कि घर, यहाँ पर जो भी घर बनता है इसको बांग्ला ही बोला जाता है महाराष्ट्र में। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ अंगूर का बगीचा है, सिर्फ ओनली अंगूर का। देखिए इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में और नीचे जितना आपको ग्रीन पत्ता दिखता होगा वो सब अंगूर का ही बगीचा। अब हम लोग जो है डमरी रास्ते से जाएंगे, मतलब महाराष्ट्र में क्या है ना कि ये सब रास्ता जो है इसको डमरी रास्ता बोलता है। इधर लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट साइड ये जो दिखता है ये मिर्ची का बगीचा है, यहाँ पर मिर्ची होता है और ये अंगूर है, इसको किशमिश बनाया जाता है इसमें। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अंगूर का बगीचा और बाइक देख सकते हैं, मैंने बाइक रख दिया यहाँ पर और कटिंग जो हो रही है मतलब यही बाग पे होती है लेकिन इस साइड का तो पूरा थोड़ी ख़त्म हो चुका है और इस साइड अभी कटिंग चालू है और यही आयसर पे हम लोग लोड करेंगे और यहाँ से जाएगी गाड़ी। और बगल में और एक बगीचा है, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रेप्स हैं, अंगूर है तो इसका कटिंग नहीं होगा। तो फिलहाल आज जिस बगीचे में हम आए हैं और जिस बगीचे में कटिंग चल रही है मैं वही आपको दिखाऊंगा आज। और दिखाते हैं मतलब यहाँ पे लेबर लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ पे बिहार के लड़के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये सब क्रेट में हम लोग डालेंगे, इसी गाड़ी में पूरे हम लोग लोड करेंगे वही 550 क्रेट। और ये भाई लोग हैं जो कटिंग कर रहे हैं अंगूर, यहाँ पर जो कटिंग करता है अंगूर तो पहले वो उसके हाथ में ना वो कैंची रहती है, उसके बाद वो कटिंग करने के बाद मतलब इसमें डालते हैं। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से सब काटा है यहाँ पर, जैसे इसको काटा ना तो इसको क्या करेगा अभी फिलहाल, इसको मतलब जो अच्छे हैं और जो बड़े में है ना उसको मुंडा लगाएगा यानी अच्छे से उसको लगाएगा और उसमें 20 किलो करके उसका वेट करेगा और फिर उसको चारों साइड से पैक करेगा उसको, तब ये पैक हो जाएगा फिर यहाँ से चल जाएगा ये बाहर, मतलब महाराष्ट्र से दिल्ली जाता, कोई पुणे भेजता, कोई मुंबई भेजता। और जितने भी सारे क्रेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे कटिंग हो चुका है और कुछ देर में ही सबको मतलब ये वेट करेगा। भाई ये लोग बहुत मेहनत कर रहा है यार, हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, आप लोग शहर वाले हैं भाई आराम से घर बैठे खा रहे हैं इसको क्या भाई सही है ना। और देखिए कितना झकास अंगूर है, हम भी एक खा के देखते हैं क्या स्वीट्स है इसमें। थोड़ा खट्टा है ये, मतलब मीठा वाला नहीं है शायद, दिखने पड़ेगा दूसरे साइड पर। यहाँ देखो भाई कितना मस्त है, इधर हम खा कर देखते हैं यार। भाई कहाँ के रहने वाले आप, यहीं का है ये भाई भी काम कर रहे थे पैकिंग का। ये क्या करने का,
नहीं खराब है, बहुत मजा आया यार, ये बहुत मजा आया। ए खा के देखने इसको, अच्छा है, मीठा है। वो मेरा पार्टनर है, रूम पार्टनर, दोनों एक साथ जब भी जाते हैं ना एक साथ रहते हैं, खाते हैं, उठते सोते एक साथ। क्या मजा आ रहा है बगीचा में यार। हाँ ब्लॉग बनाते हैं, हाँ यूट्यूब चैनल है, 8Kausal39। आओ ना भाई, छोड़ तो ये जो सूट किया ना छोड़ देंगे। ये देखिए अंगूर, देखिए क्या मस्त है यार, महाराष्ट्र का अंगूर सबसे फेमस है ये इंडिया में सबसे। अगर ज्यादा किसान का जो तारीफ होता है तो इधर का होता है, बट इसका मतलब मेहनत ज्यादा है, स्ट्रगल बहुत करते हैं यहाँ का किसान, इसीलिए इतना अच्छा अंगूर होते हैं यहाँ पर। और क्या दिखाऊं आपको बगीचे में, बगीचे में तो और कुछ है नहीं, बस अंगूर ही अंगूर है। मैं एक अंगूर और खाऊंगा, मैं अंगूर खाने से सर्दी लगने लगता है बहुत। मैं पहले बार जब आया था 1 किलो शायद लगभग खा लिया था, उसके बाद सर्दी इतना लगा ना मेरा ऑट लग गया, तो अभी थोड़ा ठीक ठाक हुआ फिर खाना स्टार्ट किया। हाँ बहुत मजा आया भाई, ये सही नहीं है, चलते हैं आगे। आ जाओ भाई, आप लोग भी आ जाओ यार अंगूर का बगीचा, आप लोग भी आएंगे कितना मजा आएगा देखो, मजा है। अगर आप अंगूर के बगीचे में काम कर रहे होते, आप जितना खा सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसमें, कोई मना नहीं करता आपको, आप जितना भी खा सकते हैं। हम खाए रहे जितना देर से है अभी। जो लंबे कद के हैं, ऊंचे कद के ना, उसके लिए बहुत तकलीफ होगा बगीचा में, क्योंकि ये क्या, ये सिर पे लग जाता है। देखिए मेरा भी लग जाता है, बट मैं झुक के चलता हूँ, क्योंकि बाल गंदा हो जाता है ना, इसमें गंदा भी रहता है। तो जो ऊंचे कद के रहने वाले उसको बहुत तकलीफ होगा यार, इधर सिर्फ झुक के चलना पड़ेगा, बट मैं तो छोटे कद का हूँ इसलिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। देखिए अरे बाप रे भाई, आप जब भी आएंगे तो दिख के चलना यार, देखो यहाँ तार है, इसमें लग जाता है, इधर अभी लग गया मेरे को। और हमारे सेठ जी है यहाँ पर, जो हमें गाइड्स करते हैं कि भाई कैसे पैकिंग करना, तो तुम लोग यहाँ पर गाइड करता है? नहीं, सेठ से हम लोग सीखते हैं, नहीं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, कि हमारे सेठ जी हमें सिखाते हैं कैसे मतलब पैकिंग होता है। किसको देखो ना भाई इधर, नाम बताओ, नाम बताओ। आसान कुमार रंगबाज, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार के, अच्छा बिहार के। कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको मतलब किस चीज़ का बगीचा देखना है, सब्जी में, वेजिटेबल में, आप हर एक चीज़ का आप कॉमेंट कर सकते हैं, आपको कौन सा बगीचा देखना है। तो भाई मुझे सपोर्ट करो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।